नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मिलनियागंज आजमगढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के पतलिया गौसपुर गांव में स्थित बाबा संत त्यागी दास जी के प्रांगण में 24 जनवरी को किसान संग्राम समिति उत्तर प्रदेश आजमगढ़ द्वारा एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था संगठनों का निर्माण, चरित्र और हमारा उद्देश्य। इस विषय पर दर्जनों वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यदेव पाल ने कहा कि संगठन का मतलब बताते हुए कहा कि 1980 में सुल्तानपुर जिला के एक दलित बस्ती में एक दलित युवक को उसके घर में बंद करके कुछ मनबड़ों ने पूरे गांव को आग लगा दिया, जिसमें उस युवक की जान चली गई जो समाज के लिए लड़ता था। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान से लोग एकजुट होकर वहाँ की लड़ाई लड़े, जिसे न्याय मिला। जैसे आज पूरे देश का किसान एकजुट होकर सरकार से लड़ रहा है। उन्होंने संगठन की मजबूती का हवाला मकान से देते हुए कहा कि जब तक ईंट बालू सीमेंट सरिया अलग अलग रहते हैं तब तक संगठन मजबूत नहीं होता। ये सब मिलकर जब एक मकान बन जाते हैं तब जाकर संगठन में मजबूती आती है। उन्होंने कहा जैसे कच्चे माल को इकट्ठा करके मकान बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से किसी संगठन को चलाने के लिए एक चरित्रवान व्यक्ति की जरूरत होती है। किसान आंदोलन के समर्थन में मीडिया से बात करते हुए कारवां पत्रिका के संपादक रविंद्र राय ने कहा कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो जन आंदोलन चलाकर पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आजमगढ़ से रोशन लाल की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के पतला गौसपुर गांव के एक इंटर कॉलेज में जहां किसानों के आंदोलन के संबंध में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आइए हम सीधे बात करते हैं यहां के मुख्य अतिथि से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सत्यदेव पाल। सर, आज जो आप मीटिंग किए इसका पर्पज क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जो किसानों की समस्या है और जो वहाँ बॉर्डर पर लोग किसानों की समस्या को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उसके पक्ष में समर्थन करना है। हाँ सर, मतलब आप इसके लिए गांव-गांव जाकर नौजवानों को जगा रहे हैं। जी 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 जी। तो उसमें क्या बता रहे हैं लोगों? हम यही बता रहे हैं कि जो अन्नदाता इस देश के लोगों का, इस देश की जनता का पेट भरता है, आज उसको अपनी कृषि बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। इसी संबंध में हम बात करेंगे अपने मालटारी के पूर्व प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के श्री रविंद्र नाथ राय जी से, जो हमारे गुरु भी रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है किसानों का, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपके न्यूज़ के चैनल से हम ये बताना चाहते हैं कि जो किसानों के संबंध में 3 कृषि कानून लाए गए हैं, ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। ये 3 कृषि कानून देश के धनाढ्य वर्ग के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए है, जो किसानों के उत्पाद का व्यापार करेंगे इससे और अपनी पूंजी, अपना मुनाफा किसानों के उत्पाद से बढ़ाएंगे। ये कहने के लिए किसान बिल है लेकिन वास्तव में ये कॉरपोरेट बिल है। अगर किसान सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे सर आप? सरकार को तो मानना ही होगा, क्योंकि सरकार को तो मानना ही है। सरकार नहीं मानेगी तो किसान संगठन, जितने 40 संगठन वहाँ काम कर रहे हैं, वह संघर्षरत हैं, एकजुट हैं और उनके अंदर कोई भी, जो सरकार ने जितने भी तरह के हथकंडे अपनाए कि ये केवल पंजाबियों का आंदोलन है,